ये है मोटो G34 5G। फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है 11,000 रुपीज़ फॉर 4GB 128GB। एक और ऑप्शन है आपके पास 8GB 128GB, वो 12,000 का है। आफ्टर बैंक डिस्काउंट हमें ये पड़ा है 10,450 रुपीज़। इसका कलर है ब्लैक कलर। में एक और ऑप्शन है ब्लू कलर का, आप अपने हिसाब से जो आपका चॉइस ऑफ कलर है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी एक ओपन बॉक्स डिलीवरी था। ओपन बॉक्स डिलीवरी का ये मतलब है कि जो फ्लिपकार्ट का एजेंट आपको डिलीवर करेगा वो आपके सामने ही बॉक्स खोल के बता देगा कि फ़ोन अंदर है बॉक्स में। बाकी बात करो इस फ़ोन की, ये एक मैट फिनिश वाला बॉक्सी शेप फ़ोन है जो कि आजकल हर फ़ोन आ रहा है वैसे ही। दो कैमरे से इसमें, एक फ्लैश है, बॉटम में 3.5mm जैक, टाइप सी वाला फ़ोन है और इसमें डॉल्बी एटमोस का फीचर है ऑडियो के लिए। और बाकी आपको फिंगरप्रिंट जो है साइड पावर लॉक बटन में ही फिंगरप्रिंट है। बाकी वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। ये एक 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। यूट्यूब पर आप 1080p तक के वीडियोस देख सकते हो। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सिम कार्ड स्लॉट में मेमोरी कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है। 10,000 के बजट में ये वाकई एक अच्छा फ़ोन है। आपको 5000 mAh बैटरी भी प्रोवाइडेड है इसमें। बाकी बात करो इसके बॉक्स कंटेंट की, फ़ोन के साथ आपको एक 20W का अडाप्टर भी प्रोवाइडेड है, साथ ही एक USB to Type-C केबल है। बाकी साथ में कुछ आपको यूज़र मैनुअल और एक सिम इजेक्टर टूर मिलेगी। माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ये अंडर परफॉर्म तो नहीं करेगा आपको। आपको हल्का सा लैग जो कि नोटिसेबल है स्क्रोलिंग के वक्त वो महसूस होगा। बाकी कैमरा क्वालिटी ठीक है, फ्रंट कैमरा से पिक्चर्स अच्छी आती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। अगर कुछ होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना।